जनपद में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं शनिवार को इस संबंध में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के लिए गोरखपुर जनपद के 10 दक्षिणी थाना क्षेत्रों में 11 बैरियर बनाए गए हैं जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर हैं। इन पर 24 घंटे दो शिफ्टों में एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाई गई है। इन रास्तों से आने और जाने वाले प्रत्येक वाहनों की एंट्री रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले और क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए लोग यदि लापरवाही कर नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का भी निर्देश दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, गोरखपुर के दक्षिणी क्षेत्र में 10 थानों में कुल 11 बैरियर हैं जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स हैं। इस बैरियर पे व्यवस्था कराई गई है, 24 आवर्स की दो शिफ्ट ड्यूटी लगी है, मतलब 12-12 घंटे की ड्यूटी लगी है जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल मिला के हैं। इसमें यह व्यवस्था रखी गई, इनके पास एक रजिस्टर रखा गया है और ये रजिस्टर में प्रत्येक वाहन जो एंट्री हो रही है, इन और आउट दोनों वाहनों का पूरा डिटेल ये उस पर लिखेंगे रजिस्टर में और उसमें चेक करेंगे कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति तो नहीं बैठा है। जैसे कि एक ट्रक जा रही है, मान लीजिए ट्रक में एक ड्राइवर एक खलासी होता है, उसके अतिरिक्त अगर कोई बैठा है तो उससे पूछताछ की जाएगी और उसको क्वारंटाइन कराया जाएगा। इसी प्रकार एक अगर एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रही है तो उसकी भी जानकारी रखी जाएगी और उनको बताया गया कि वो वहाँ से DCR के माध्यम से इसे मेडिकल कॉलेज तक सूचना देंगे कि ये एम्बुलेंस है जो इसमें इस तरह का पेशेंट है और यहाँ जा रहा है।